नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ईस्ट फेसिंग यानी पूर्व मुखी प्लाट के ऊपर घर का वास्तु शास्त्र के अनुसार बहुत ही सुंदर घर का नक्शा। दोस्तों, ये नक्शा हमने वास्तु शास्त्र के अनुसार तैयार किया है और इस नक्शे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 40 फीट बाय 60 फीट का ये प्लाट है, उसके ऊपर हमने ये नक्शा तैयार किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, इसमें हम जो आपको वास्तु शास्त्र बताएंगे वो आप पूर्वमुखी किसी भी यानी ईस्ट फेसिंग किसी भी प्लाट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो पूर्वमुखी के लिए वास्तु शास्त्र हम यहाँ बताएंगे। तो दोस्तों, ये हमने नक्शा कैसे तैयार किया है ये आपको मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल नीचे वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइबर बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाल बेल आइकन जो घंटी का निशान है उस पर टच कीजिए ताकि आगे आने वाले हमारे सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको पूरा प्लान समझा देता हूं। ये 40 बाय 60 फीट का प्लाट है जो पूर्वमुखी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका जो फेस है वो पूर्वमुखी ईस्ट फेसिंग है और इस प्लाट के तीनों तरफ पड़ोसियों के मकान है। इधर भी पड़ोसी का मकान है, इधर भी पड़ोसी का मकान, पीछे ही पड़ोसी का मकान है। सिर्फ इसका आगे का फ्रंट ओपन है, यहाँ से रोड जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये आपका प्लाट हो गया, इसकी हम ये बाउंड्री है चारों तरफ, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने गेट दिया है जो वास्तु शास्त्र के अनुसार मैंने यहाँ पर मेन गेट रखा है। ये आपका यहाँ पर मेन गेट हो जाएगा, ठीक है, पूर्व साइड में। और मेन गेट से जैसे हम अंदर एंटर होते हैं, मैंने यहाँ पर पानी की कुंड रखी है जिससे क्या आपका घर का ये कॉर्नर नीचा भी रहेगा और पानी का कुंड उत्तर और पूर्वी कॉर्नर में पानी का कुंड होना बहुत शुभ होता है। और जितना पूर्वी दिशा और उत्तरी दिशा आपके घर के प्लॉट की ओपन रहेगी, घर में उतना ही धन आपके भंडार भरे रहेंगे और आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। क्योंकि ये जो कॉर्नर है वो देव कॉर्नर होता है, जिसको देव कोण भी कहते हैं। और ये जो कोण होता है, ये घर का ये जो कोण होता है, ये कोण, ये पूरा ये अग्नि कोण है। यानी आपके जितने भी अग्नि से संबंधित है, जैसे आपको बिजली का मीटर है तो वो आप इस कॉर्नर में यहाँ लगवाओगे बिजली का मीटर बाहर की साइड, जो वास्तु के अकॉर्डिंग सही रहेगा, फिर आपके घर के अंदर बिजली आएगी, ठीक है दोस्तों। तो हम घर के अंदर यहाँ पर आपका लोहे का गेट लगेगा, यहाँ आपकी पानी कुंड होगी और ये पूरा पार्किंग एरिया मैंने छोड़ा है। और फिर यहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ दी है, ये सीढ़ियाँ आपकी यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है, दक्षिण में ऐसे घूमते हुए क्लॉक वाइज, ये फिर उत्तर की तरफ ही आपकी छत पर ओपन होगी और आपको दोनों तरफ गेट लगवाने, ठीक है दोस्तों। और ये सीढ़ियाँ मैंने इस दीवार के इसलिए नहीं लगाई क्योंकि सीढ़ियाँ कभी भी पूर्वी दीवार के टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे ये पूरा मैंने गार्डन का एरिया छोड़ा है, ये पूरा गार्डन है इधर इस साइड में ये पूरा, जिससे आपका घर की सुंदरता काफ़ी बढ़ेगी और घर में हवा भी काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर ये मैंने घर की जो मेन चौखट है, हम घर के अंदर यहाँ से एंटर करेंगे, ये आपकी काठ की चौखट यहाँ लगेगी। ये दोनों गेट, मेन गेट और चौखट, कभी भी आमने सामने नहीं होनी चाहिए या किसी भी रूम का गेट जल्दी से आमने सामने नहीं होना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने घर की चौखट दी है, ये आप घर की चौखट यहाँ पर दी है, यहाँ से आप जैसे अंदर एंटर करेंगे ये मैंने कमरा दिया, यानी आपका गेस्ट रूम हो गया। गेस्ट रूम का मेजरमेंट है 13.6 इंच बाय 10 फीट, 13.6 बाय 10 फीट का ये आपका काफ़ी स्पेसफुल गेस्ट रूम हो गया। यहाँ पर आप अपना बेड लगवा सकते हैं या सोफे वगैरह यहाँ सेट कर सकते हैं, इस दीवार पर आपका टीवी सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर हम घर के अंदर आंगन में एंटर करेंगे, आंगन मैंने दिया यानी जो घर का जिससे हम हॉल बोलते हैं, ये मैंने दिया है यहाँ पर 19 फिट 6 इंच बाय 12 फिट 9 इंच का, ये काफ़ी स्पेसफुल हॉल दिया है, यानी 19.6 इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 12.9 इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आंगन से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इस कॉर्नर में मैंने किचन दिया है, किचन का मेजरमेंट आप देख सकते हैं 10 फिट 0.9 इंच बाय 10 इंच का, ये आपकी रसोई घर हो गई। रसोई घर की दोनों विंडो मैंने, एक विंडो बाहर सीढ़ियों की तरफ दी है और अगर आपके घर के इधर आपकी कोई गली निकलती है या स्पेस है तो आप इधर भी एक विंडो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूर्व दिशा की तरफ आपका गैस चूल्हा लग जाएगा जिससे खाना बनाते समय आपका चेहरा पूर्व की साइड में होगा, इधर आपका पानी का सिंक लग जाएगा। इस रसोई घर का मैंने सामान घर दिया है 6 बाय 6 फिट का, जिसका भी एक विंडो मैंने बाहर की तरफ ओपन किया है, 6 बाय 6 का यहाँ सामान घर दिया है मैंने, जिससे रसोई में भीड़ नहीं रहेगी और आपका सामान स्पेसफुली यहाँ रहेगा।
उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूजा घर दिया है जिसका गेट आपके आंगन में ओपन होगा। 6x4 का मैंने पूजा घर दिया है जिससे आपके काफी स्पेस मिल जाएगी आपको पूजा घर में। उसके बाद में एक मैंने यहाँ पर कमरा दिया है जिससे आप डाइनिंग रूम के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किचन का जो गेट है वो इस रूम से होते हुए आंगन में ओपन किया है, तो इसको आप डाइनिंग हॉल की तरह या एक अलग रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मैंने मेजरमेंट दिया है 10.9 feet x 12.9, यानी कि 10.9 x 12.9 को दिया है। इसका एक विंडो बाहर की तरफ ओपन होगा। और फिर मैंने एक बड़ा मास्टर बेडरूम दिया है जो थर्ड नंबर बेडरूम हो गया है आपका, काफ़ी बड़ा स्पेसफुल बेडरूम है जिसमें मैंने अटैच लेट बाथ भी दिया है। ये आप देख सकते हैं, इस रूम में मैंने अटैच लेट बाथ दिया। ये आपका स्नानघर हो जाएगा, स्नानघर, और ये आपका बाथ हो जाएगा, बाथरूम, जिसे आप शौचालय भी कहते हैं। इस रूम का मेजरमेंट है 11.9 feet x 15 feet का। 11.9 feet इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई और लेंथ है इसकी 15 feet हो गई। और इसमें मैंने अटैच लेट बाथ दिए हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इसके ठीक सामने मैंने एक कमरा दिया है 10 feet x 9.6 inch का कमरा दिया है जिसमें मैंने एक अटैच लेट बाथ रखा है। ये आप देख सकते हैं, लेट बाथ का ये आपका एंट्रेंस है। यहाँ पर आपका स्नान घर हो गया और ये 4.8 inch x 8 feet का ये टोटल लेट बाथ हो गया आपका। दोस्तों, इन दोनों रूम का मैंने बीच में सेम गेट दिया है, यानी इनके गेट आमने सामने होंगे दोनों रूम के। और ये इनका बाथरूम, अगर आप इस रूम के अंदर अटैच नहीं रखना चाहते तो इसको कॉमन आंगन में आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका गेट लग जाएगा, उसके बाद आंगन में ही आपका लेट बाथ कॉमन हो जाएगा जो आप सभी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरा प्लान काफ़ी पसंद आया होगा, वास्तु के अकॉर्डिंग है। अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा तो आगे भी शेयर और लाइक कीजिएगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसा प्लान चाहिए। और अगर आपको कुछ और अलग से कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।